कांग्रेस ज्वाइन करके वो बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि ये पार्टी का कोई वजूद नहीं था सीपीआई का। आप लोगों का कहना है कि सीपीआई में जान लाने का काम कन्हैया कुमार ही था, सिर्फ इसका एक और एकमात्र कन्हैया कुमार, नहीं तो सीपीआई बिल्कुल मर चुका था यहाँ उस मुर्दा में। वो उसने जान ला दी। नया सांसद कन्हैया कुमार होंगे आए, वैसे हम कन्हैया कुमार सपोर्ट नहीं करते थे। आदमी बोलता है जो उद्देश्य द्रोही है तो कानून उसको क्यों नहीं सजा दे रहा है। हम कन्हैया कुमार के साथ है और बेगूसराय का जनता, ऑल ऑफ अब इंडिया का जनता कन्हैया का साथ है। जय कन्हैया लाल की। कन्हैया को कांग्रेस साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, इसमें कुछ टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन सीपीआई की पहचान अभी जो बेगूसराय में बनी थी वो सिर्फ कन्हैया के वजह से, क्योंकि सीपीआई गर्त में जा चुकी थी, लेकिन अभी वो फिर से उठ खड़ी हुई थी। लेकिन इस बीच मंझधार में कन्हैया का छोड़ के जाना सीपीआई पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है कि वो, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कन्हैया के प्रभाव से अच्छा करेगी। सीपीआई छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। नया सांसद कन्हैया कुमार होंगे आए, वैसे हम कन्हैया कुमार सपोर्ट नहीं करते थे। आदमी बोलता है जो उद्देश्य द्रोही है तो कानून उसको क्यों नहीं सजा दे रहा है। हम कन्हैया कुमार के साथ है और बेगूसराय का जनता, ऑल ऑफ अब इंडिया का जनता कन्हैया का साथ है। जय कन्हैया लाल की। कन्हैया कुमार कांग्रेस में जाके अच्छा काम किए, एकदम अच्छा काम किए। तो क्या आपकी बेगूसराय से सांसद कन्हैया कुमार होंगे अगर कांग्रेस टिकट देती है? होंगे, 99.9% गारंटी है जो कन्हैया कुमार अगला सांसद होंगे। कांग्रेस ज्वाइन करके वो बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि ये पार्टी का कोई वजूद नहीं था सीपीआई का, ये भारत में समझिए विलुप्त हो गया था। सीपीआई ने उनको एक पहचान दिया, उसके बाद आज उसी को लात मार के जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। सीपीआई जो था वो मुर्दा हो गया था, उस मुर्दे में एक तरह से ये जान ला दिया था ये लड़का। आप लोगों का कहना है कि सीपीआई में जान लाने का काम कन्हैया कुमार ही था, सिर्फ इसका एक और एकमात्र कन्हैया कुमार, नहीं तो सीपीआई बिल्कुल मर चुका था यहाँ उस मुर्दा में। वो उसने जान ला दिया, उसको वास्तविकता पता चला। कन्हैया कुमार ने सीपीआई में जान लाने का काम किया। और यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, ये भी बताएंगे कांग्रेस में कन्हैया कुमार ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया है सर, और कांग्रेस में पूरे बिहार में युवा का जोश फोर्स से वो आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस को में जो है कन्हैया कुमार आए हैं सीपीआई को छोड़ के, उनके ग्रामीण क्या कहते हैं इस पे? ग्रामीण सब किए छे तटस्थ है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपने मन से सीपीआई में आया था, अपने मन से सीपीआई छोड़ के गया। जहाँ भी रहेगा वो किए छे देश के विकास के लिए वो काम करेगा, चाहे किसी भी पार्टी में रहे। गांव के लोग तब भी खुश था, अभी भी खुश है। गांव के लोगों को उसके प्रति कोई द्वेषता नहीं है। बाबा, कन्हैया कुमार जो हैं आज सीपीआई छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। देखिए, ये नौजवान अच्छा पढ़े लिखे है, अच्छा ज्ञान है उसको, इसमें देख लिया जो मान लीजिए इससे ये होने वाला नहीं है, इसलिए ज्वाइन किया है कांग्रेस। और गांव के लोग खुश है, गांव के लोग के लिए तकलीफ नहीं है, कहीं भी है अच्छा से वो काम करेगा, यही हम लोग का सुझाव है।